गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग भाई? 11 बजे, तो चलो चलते खेत में, हमारा मिशन चालू, पानी बोलना। चलो भाई, नींद भी आ रही, अब चलते। दोस्तों फिलहाल तो आ चुके हैं खेत में, तो चलो अब देखते हैं भाई। पानी जो दोपहर को लगाया था ना भाई, वो ही नहीं हुआ कंप्लीट। तो अब पहले यहाँ पर वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पाइप निकालना पड़ेगा और फटाक से वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर लगा देंगे आगे दो पाइप लगा देंगे और निकल जाएंगे फिर। चलो भाई, ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी आज। यार इतना पानी मतलब मांग रही है ना जमीन, बहुत पानी मांग रही है, क्योंकि डेढ़ डेढ़ घंटा रह गया था शायद। वो एक ही पाइप लगाया था हमने, तो एक नॉर्मली 1 घंटे में ही हो जाता है, 1 घंटे या 1 घंटे से कम, लेकिन देखो हुआ ही नहीं। चलो बोल दे पहले वो भाई, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है वो मतलब पाइप निकालने का, ऐसा करना पड़ेगा, अब रहने देना पड़ेगा, ये इसको ही जाने देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकाला हमने तो ये दो दांड में ही चला जाएगा कांधे के, यहाँ पर नहीं जाएगा। इसको जाने देते पहले, तब तक दूसरे खेत में जाना पड़ेगा अब। चलो जाने देते इसको धीरे धीरे। दोस्तों अभी तो देखने जा रहे पानी आया कि नहीं, देख लेते हैं भाई इतनी देर। इधर से हाँ आ गया पानी, अब लगा देते पाइप। चलो ये देखो आ गया पूरा पानी, चलते अब पाइप लगाने के लिए। तो दोस्तों चलो पर ये लगाने की 15 पाइप देखते हैं भाई कहाँ पे। दो पाइप लगा देते अब, फिर 4 घंटे चले जाएंगे पानी आने में, तो उस खेत में जाकर देखते पहले पानी लगा देंगे उस खेत में भी और निकल जाएंगे घर के लिए। गए नहीं भाई, ताप पेटा दिया और यही बैठ गए, तो कोई बात नहीं, अब चले जाएंगे उस खेत में और लगा देंगे। एक रहा पांडरा भाई पे और एक वहाँ पर होगा, एक यहाँ पर तो टोकरे। एक पाइप हाँ ये रहा, तो चलो अब लेकर जाते इसको। तो दोस्तों लगा दिया अब दो पाइप, ये देखो इतने बड़े, ये वहाँ तक। तो अब जाएगा धीरे धीरे, बहुत दूर तक पानी जाएगा ये देखो। तो अब चलते भाई यहाँ से दूसरे खेत में। चलो हो गया ये वाला, ये देखो भाई ऐसा कांदा, ये भी फूक रहा है अभी। अभी कांदे को भी पानी बोलना था भाई, पर ये देखो जमीन कैसी फाक रही है, पर क्या करें, अब लाए लाइन ही नहीं है, तो टाइम लगेगा इस कांदे को पानी बोलने में। अभी ये देखो
पूरा कंधा पीला भी बढ़ रहा है कुछ कुछ तो। अभी तो दोस्तों आ चुके हैं इस खेत में, तो अभी लगा देते हैं यहाँ पर भी पानी और फिर चलो भाई ठंडी पानी पानी लगाना था। क्या करें, दिन भर इतनी धूप रहती है इसलिए बहुत पानी पीती है ज़मीन। टॉर्च की चार्जिंग भी देखो कम हो गई, अभी कम कम होती जाती है। गेहूँ देखो भाई इस खेत का कितना बढ़ चुका है अभी तो, चालू कर दिया। चलो अब निकलते, भाई पूरे खेत में टॉर्च टॉर्च जैसे दिख रहे, सब लोग आ गए खेत में भाई, पूरे किसान। क्या करेंगे भाई, किन का उलना होता है, 4 दिन में आना ही पड़ता है रात को। ये सब किसानों को समझ आता है भाई, सरकार को या जो लाइन ऐसा शेड्यूल करते ना उनको नहीं समझ आता कि उन पर क्या बीतती होगी किसानों पर। पता नहीं यार इस देश का किसान कभी सुखी हो पाएगा कि नहीं, ऐसे ही धक धक करता रहेगा, कुछ पता नहीं। खैर हम चल तो चलते अब घर भाई, 1:30 बजने वाला है, फिर सोना है और कल फिर कांधे कांपने के लिए भी आना पड़ेगा। चलो भाई चलते। तो दोस्तों देखो 1:30 बज गए तो अब जाते हुए सोने के लिए। चलो तो हाँ, व्लॉग शायद लंबा ही हो गया होगा तो इस व्लॉग को यही एंड कर देते हुए, कल सुबह का अलग स्टार्ट करेंगे, अलग खेत में काम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।